तो आ गए फिर से। सो आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ हनुमान भगवान राम को। सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमको अपनी जो ड्राइंग है उसको इरेज कर लेना होगा। एंड इरेज करने के बाद अब बारी है फाइनल टच की। तो और एकदम बारीकी से अच्छे से हमको कर देनी है इसमें आउटलाइन। और ज़रूरी नहीं है कि हमको मैकेनिकल पेंसिल से ही आउटलाइन करनी है, हम कोई सी पेंसिल से आउटलाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो हल्की सी डार्क होनी चाहिए। एंड गाइस आउटलाइन बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, सो वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पर। सो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पसंद हो तो तेरी मर्जी, फिर भी पसंद हो तो तेरी मर्जी, फिर भी पसंद हो तो तेरी मर्जी। मैं गिरा होया बंदा जमानी जबली है। सो ऐसे छोटे मोटे आर्ट वर्क में तो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो इसलिए इसको रखते हैं साइड में एंड देन वीडियो में फिर से हम बने रहते हैं। सो बॉडी को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं फेस पे। फेस पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ राम जी से, और मैं सबसे पहले बना रहा हूँ आईज, फिर उसके बाद नोज़ एंड लिप्स, एंड फिर आते हैं लक्ष्मण जी पे। फिर यही सबसे पहले आईज नोज एंड लिप्स, ऐसे सीता माता पे भी यही होगा। आउटलाइन होने के बाद अब मैं कर रहा हूँ शेडिंग। सो सबसे पहले स्टार्ट फिर से मैं कर रहा हूँ राम जी से, और राम जी का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले हेयर से। सो वीडियो में बने रहना, आगे ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं है मेरे को आर्ट वर्क ज़्यादा बनाने का, लेकिन ऐसे छोटे मोटे तो मैं बना ही लेता हूँ। एंड देन हेयर्स पे पूरी शेडिंग करने के बाद अब हम आते हैं फेस पे। तो फेस पे मैं सबसे पहले कर रहा हूँ चीक्स एंड देन फिर फोरहेड पे ऐसे। अब फिर उसके बाद मैंने यूज़ करी है HB पेंसिल और फिर ब्लेंडर फिर ब्रश। सो अब फेस पे पूरा करने के बाद मैंने करा है आईब्रोज को शेड, फिर उसके बाद करूँगा आईज को, उसके बाद करूँगा नोज को, फिर लिप्स को, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी डिटेलिंग करूँगा इसमें। देन आई होप कि आपको भी इस वीडियो में मज़ा आ ही रहा होगा।
देन बॉडी को शेड करने के बाद अब हम आते हैं क्लोथ्स पे। सो क्लोथ्स पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ धोती से, और धोती पे मैंने सबसे पहले करा है डार्क पोर्शन, किया थोड़ा सा लाइट पोर्शन, एंड देन फिर आते हैं थोड़े हाथ के ऊपर जहाँ पे थोड़ा जो शेडो है वो ज़्यादा पड़ रही है, एंड देन डार्क पोर्शन ज़्यादा है वहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं नीचे जो मतलब कि जो आपको दिख रहा है उस पर शेडिंग करते हैं, और फिर पहले डार्क फिर लाइट ऐसे करते रहते, फिर अगर आ रहे हैं ऊपर एंड ऊपर भी ऐसे डार्क एंड लाइट। एंड देन इसी के साथ हमारी जो ड्राइंग है वो पूरी हो गई है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसका पार्ट टू भी आएगा जिसमें मैं अगली बार बनाऊंगा सीता माता को, सो एंड देन इसका पार्ट थ्री आएगा। तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से, मैं भी भाग जाऊँगा। लेकिन रुको, भागने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद हाँ बेल आइकन को भी ऑल कर दो, जिससे कि भागने के बाद दोबारा आप मेरी वीडियो पे वापस दौड़ते हुए आ जाओ। सो बाय।